नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत रेसिपी। ये बनेगी उबले हुए आलू और साबुदाने से, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इसको केवल 5 मिनट में आप बना लोगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप साबुदाना। इसको केवल मैं धोऊंगी, भिगोऊंगी नहीं, भिगोना नहीं है, केवल धोना है। और धो करके मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। तो जब ये थोड़ा सूख गया उसके बाद मैं इसको पीस रही हूँ, तो आसानी से ये पिस जाएगा। तो इसको हम पीस लेंगे। अगर आप धो के नहीं पीसना चाहते हो तो साबुदाने को अच्छी तरह कपड़े से पहुँच के भी आप पाउडर इसका बना सकते हैं। तो ये देखिए, साबुदाना मैंने पीस लिया है और मैंने लिए 5 उबले हुए आलू, उनको ग्रेट कर लिया है। आलू में मैंने मिलाया है पिसा हुआ साबुदाना और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और व्रत वाला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है, इसी 2 मसाले से ही ये बहुत ही अच्छा बनेगा। व्रत में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खाए जाते हैं। तो बस इसको मिला लेंगे और ये देखिए, इस तरह से पकौड़ों की तरह हम इनको तल लेंगे। पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। केवल 5 मिनट में आप बना लोगे इस रेसिपी को। बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही अच्छी है, स्वादिष्ट है, हल्की है, खाने में बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने व्रत किया और बहुत भारी भारी खा लिया है। तो बहुत ही हल्की रेसिपी है और इसके अंदर जो ऑयल है, ऑयल बिल्कुल नहीं भरेगा, क्योंकि ये जो साबुदाना से जो बाइंडिंग हुई है हमारी, वो बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि हमने ये बैटर है बहुत टाइट रखा है, इसको हमने लूज़ नहीं किया है, तो इसके अंदर जो ऑयल है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये देखिए, क्रिस्पी से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तब हमने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। दही, सादे दही के साथ ताज़ा जमाया हुआ दही है ये घर का, और उसमें मैंने हल्की सी काली मिर्च डाली है। तो दही के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। तो व्रत की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।